हेलो फ्रेंड्स मैं रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीज किचन फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं चिकन सीख कबाब की रेसिपी जिसके सीख भी मैं आपको इस वीडियो में बनाना बताऊंगी अगर आपके पास में सीख नहीं हो और आप घर में कैसे ही इसे आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं बिल्कुल बाजार स्टाइल में वही रेसिपी मैं आज लो आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ का इसी से टर्किश अडाना कबाब की अडाना कबाब भी कहते हैं तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ली है एक लाल शिमला मिर्च और दो प्याज लिए हैं मैंने तो उनको छील लिया था अब हम शिमला मिर्च और प्याज को जो है बारी बारी कट कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने इनको कट कर लिया है अब जल्दी से फटाफट से प्याज को भी कट कर लेती हूँ इन्हें हमें बिल्कुल बारी बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी हमें इनका पेस्ट ही बनाना है तो यहाँ पर मैंने एक मेरा हैंड मेरे पास में एक हैंड ग्राइंडर है उसमें मैंने इसको क्रश कर लिया था हमें इनका पेस्ट नहीं बनाना है हमें जो इन्हें क्रश करना है तो मेरे पास में ये हाथ वाला था आप मिक्सचर में पल्स की पल्स करके भी इसका मिक्सचर बना सकते हैं मतलब पी सकते हैं सॉरी क्रश कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक चलनी अब चलनी में हम अपने सारे मिक्सचर को निकाल लेंगे और अब हमें क्या करना है दबा दबा के जो है प्याज और शिमला मिर्च का ये जो जूस है ना इसे निकाल लेना है इसमें कबाब में, में ना हमें पानी नहीं चाहिए पानी रहेगा तो हम कबाब की शेपिंग नहीं कर पाएंगे इसलिए इसका दबा दबा के अच्छी तरीके से हम इसका सारा जूसेस जो है वो निकाल लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जूस अलग निकल गया है और ये हमारे प्याज और जो शिमला मिर्च है उसको हम निकालेंगे तो यहाँ पे अब मैंने लिया है चिकन मिन्स तो यहाँ पे हमारा चिकन मीन से इसको मैंने बाजार से लेकर आई थी इसके बाद में एक बार मिक्सर में और चला लिया था तो अब इसके बाद में हम इसमें डाल रही हूँ नमक और काली मिर्च डाल देंगे इसमें तो काली मिर्च डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और थोड़ी सी शिमला शिमला मिर्च बोल रही हूँ सॉरी चिली फ्लेक्स डाले हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है और ये मैंने डाला है थोड़ा सा हरा धनिया और अब जो हमने शिमला मिर्च और प्याज था ना उसको हमने निकाल के रखा हुआ था उसका जूस निकाल के रखा था उसको इसमें डाल देंगे और इन सब को अब हम अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने लाल कलर की शिमला मिर्च ली उसकी जगह आप हरी मिर्च हरी शिमला मिर्च भी ले सकते हैं लाल मैंने इसलिए ली क्योंकि वो थोड़ा सा दिखेगा हरी मिर्च और हरी मिर्च और हरा धनिया और लाल शिमला मिर्च तो दिखने में अच्छा लगेगा तो यहाँ पे अब मैंने मिक्स कर लिया था अब इसके बाद में मैंने इसमें डाला है एक चम्मच बटर अब इस बटर को इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे जो है ना हमारे कबाब में जो है ना ग्लेज आ जाएगा मतलब मॉइस्ट बनेंगे हमारे कबाब जो है अब इसको ढक के हम अपने मिक्सचर को ढक के रख देंगे तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ अनारदाना पाउडर तो ये ऑप्शनल है आप डालना चाहो तो डालो नहीं डालना चाहो तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है तो ये मैं पहले डालना भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में डाला है तो अब हम इसके बनाएंगे स्क्यूअर्स तो यहाँ पे मैंने लिए है ये जो बैम्बू की जो स्टिक्स आती हैं ये आती हैं ये मैंने मार्केट से ली थी तो इनको अब हम बनाएंगे तो मैंने क्या किया है यहाँ पे तीन से चार ले ली हैं और उनको टेप लगा के मैंने इस तरीके से सिक्योर कर लिया है तो यहाँ पे एक हमारी मोटी डंडी जो है इस तरीके से तैयार होगी गई जिसके ऊपर हम अच्छे से कबाब को अपने लपेट सकते हैं तो अब ये हमने चार की जो स्टिक्स बनाई थी अब इनको एल्यूमिनियम फॉइल में हम लपेट के अच्छे से बंद कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी होम मेड जो है स्की्यूअर्स जो है तैयार हो जाएंगे तो अगर आपके पास में स्कीोअर्स ना हो मेरे पास तो नहीं है तो इसलिए मैं इस तरीके से आप भी अगर आपके पास हो तो आप तो वो यूज़ कर सकते हैं आसानी से है ना तो यहाँ पे हमारे ये देखिए कि जो है वो तैयार हो गए हैं अब हमारी बारी आती है कबाब बनाने की तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो तवा लिया ना मैंने स्की्योर से इसी हिसाब से तवा उसी हिसाब से लिया है जितने बड़े हमारे स्कीूअर से हो तो पकड़ने के लिए किनारे से उनके थोड़ी सी जगह होनी चाहिए इसीलिए मैंने इतना छोटा तवा लिया है तो अब हमारा जो है कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है अब हम एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है क्योंकि जिससे हमारा कीमा जो है ना वो चिपकेगा नहीं और जो एक्स्ट्रा पानी ना उसको झड़ा लेंगे हम तो अब मैंने एक मुठ्ठी के अपनी मुठ्ठी के मुताबिक जो है थोड़ा सा कीमा ले लिया है और अब उसको थोड़ी जो स्टिक्स हमने बनाई है उसके ऊपर हमें लपेटते जाना है तो इस तरीके से बीच में मैंने थोड़ा सा गड्ढा कर लिया था और अब जो हम अपने चिकन को है इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे चारों तरफ और धीरे धीरे हमें हल्के हाथ का प्रेशर देके इसे ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे फैलाते जाना है और जब आपको लगे कि आपका चिकन हाथ में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा पानी फिर लगा लीजिए और एक्स्ट्रा पानी को जड़ा जरूर दीजिएगा ये तो हमारे जो ये है ना चिकन पतला हो सकता है और वो नीचे गिर भी सकता है तो इस तरीके से हम उसको मेरा पता ना वीडियो बनाते टाइम पे ना ध्यान ही नहीं गया कि मेरा हाथ चला गया और नहीं रहा था नहीं तो दिख ही नहीं रहा है मैंने हाथ नीचे लिया था तो इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से फैलाते जाना है और यहाँ पे इस तरीके से स्टिक हो जाएगा ये बहुत ही आसानी से आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा तो और अब मैं लास्ट में क्या करी हूँ जो अंगूठे का अंगूठा होता है ना उससे मैंने उसको दबा दबा के थोड़ा सा शेप दे दिया है डिज़ाइन दे दिया है ये कह लीजिए तो यहाँ पे हमारा जो है वो एक स्टिक तैयार हो गई है ये देखिए लास्ट में मैं आपको शेपिंग बता रही हूँ कि ये बिल्कुल इस तरीके से देने से हमारे कबाब जो है ना ऐसा लगेंगे बिल्कुल मार्केट वाले स्ट्रीट में जो मिलते हैं या मार्केट में रेस्टोरेंट में जो मिलते हैं ना ये बिल्कुल वैसे ही लगेंगे तो हल्के हाथ का प्रेशर देते जाना बिल्कुल जोर से नहीं दबाना नहीं तो स्टिक्स दिखने लग जाएंगी तो मैंने बिल्कुल हल्के हाथ का प्रेशर दिया है और पहली बार में हो सकता है आपसे गड़बड़ हो जाए लेकिन दूसरी बार में तो एकदम परफेक्ट निकल ही आएगा प्रैक्टिस एक परफेक्ट है ना तो यहाँ पे हमारी जो स्टिक्स हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं तो इसी तरीके से मैं और भी स्टिक्स बना के तैयार कर लूँगी तो गाइस प्लीज़ अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने जो मैंने तबाप आप, आपको फ्राइंग पैन बताया था वही फ्राइंग मैंने उसको गैस पर रख दिया है बिल्कुल धीमी आँच पर और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक बेकिंग में नमक डाल देंगे ना तो हमारे जो कबाब जो है बहुत अच्छे से पक जाएंगे वैसे अगर आप नमक ना भी डालना चाहें तो भी बन जाएंगे लेकिन इससे जो हमारे कबाब्स को ना हीट अच्छी मिलेगी और ये बहुत जल्दी पक जाएंगे ज़्यादा टाइम वैसे नहीं लगेगा तो जो खाली वाला पार्ट है ना उसको हमने उस तरफ से हमें पकड़ के धीमे धीमे से इसे पलटते जाना गाइस ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि स्टिक्स जो हैं वो बिल्कुल बहुत गर्म हो जाती हैं एल्यूमिनियम फॉइल लगा ना तब तो भी बहुत गर्म हो जाती है तो आपको उसको बिल्कुल ध्यान से किसी कपड़े की मदद से या अगर आपके पास में कुछ हैंड कवर हो तो उसी से पकड़ के कीजिएगा जब आपके थोड़े से पक जाए आपको लगे कि हाँ ये पक गए हैं तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ बटर से ना इसमें अच्छा सा ग्लेज आ जाएगा देख सकते हैं कितने अच्छे से चमकने लगे हैं हमारे कबाब से है ना और बटर लगाने के बाद में इसको दोबारा से फिर से पलट देंगे और फिर दूसरी तरफ भी इसमें बटर लगा देंगे तो ये अच्छे से और बटर लगाने के बाद में इसमें एक शाइन भी आ जाएगा और ये टेस्टी तो लगते ही ऑब्वियसली और ये हमारे जो कबाब है वो बन के तैयार हो गए तो बाद में जो कबाब में है ना इससे कलर जो आता है ना बिल्कुल मार्केट में वो कलर कैसे लाना है जो चक्ते होते हैं जल स्मोकिंग वाले वो जलने वाले जो होते हैं ना तंदूर वाले सॉरी वो तो उसके लिए मैंने उसको गैस पे के थोड़ा बिल्कुल पांच मिनट के लिए इस तरीके से कर लिया था तो ये देखिए आप इस पे ग्रिल मार्क्स आ गए कितने प्यारे बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे नहीं है और रेस्टोरेंट जैसे तो यहाँ पे हमारे जो कबाब है वो बनके तैयार हो गए हैं अब मैं इसको आपको निकालना बताती हूँ इसको निकालना भी थो, आसान है थोड़ा सा गर्म हो और थोड़ा सा ठंडा हो उसी स्टेज पे आपको इसे धीरे से इस हल्के हाथ का प्रेशर देके इस तरीके से निकाल लेना है आप देख सकते हैं हमारे कबाब कितने सॉफ्ट बने एकदम जूसी बन के तैयार हुए थे बहुत ही डिलीशियस लग रहे थे ये कबाब और बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये और बेकिंग के लिए आपको किसी ओवन वगैरह की भी जरूरत नहीं है आपको मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है तो धीरे धीरे मैंने अपनी सारी स्टिक्स से जो है कबाब निकाल के तैयार कर लिए अब मैं यहाँ आप पे आपको बता रही हूँ एक सैलेड बनाना तो कबाब जो है ना वो सैलेड के बिना अधूरा लगता है मुझे तो अब एक मैंने सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं प्याज आ, क्या बोलते हैं एक, आ, क्या बोलते हैं निकाल ही देना सारी वेजिटेबल्स जो होती हैं सैलेड के लिए पत्ता गोभी टमाटर कांदा प्याज वगैरह ये सबको डाल के नींबू डाल के धनिया पुदीना डाल के इन सबको मिक्स करके तैयार कर लिया है और ये हमारा सैलेड हो गया तैयार अब मैं कर लेती हूँ प्लेटिंग तो यहाँ पे हमने अपने सारे कबाब रख दिए हैं और अब रख दिया है जो अभी मैंने बनाया था सैलेड वो और ये थोड़ी सी चटनी है हरी धनिया और मिर्ची की चटनी जिसमें मैंने दही मिक्स कर दिया था अब मैं आपको कबाब कट करके कर बता दी हूँ कि देखिए कितना बढ़िया और बिल्कुल टेस्टी ही नहीं रहा कि एक बिल्कुल घर में बनाऊंगा है ना बहुत ही आसानी से आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं और ये देखिए अंदर से कितना सुंदर लग रहा है ये मतलब टेस्टी तो इतना था कि मैं आपको क्या ही बताऊं गाइस अगर ये वीडियो ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और ये वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी तो सैलड में तो मैंने बताना भूल गई थी आपको ये सब्जियाँ आप देख सकते हैं खीरा डाला था प्याज टमाटर और पत्ता गोभी एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा मैं उस टाइम पे भूल गई थी बताना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मिलते हो अपने आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय